अरे आराम से आराम से। इतनी तेज कर रहे हैं कि आराम से लो, स्मूथली। अच्छा चल। बना चाय बना। रही हूँ, बना रही हूँ। मैंने सोचा आपको योगा करते हुए दिखा दूँ ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। अब ये बैक पेन की योगा कर रहे हैं, चल कर स्लिप ले। डिस्क से रिलेटेड। क्यों मैं नहीं करूँगा? करो करूंगा। ना। चलो अब मुझे कैमरा ऑफ ही करना पड़ेगा क्योंकि तब मैंने चुपके चुपके वीडियो बना दी, पर अभी कर ही नहीं रहे। क्या रे, मैं करूंगा ही नहीं तब तक। ना मतलब पापा को करने नहीं देनी एक्सरसाइज? आके ऊपर से लेट गया। उठ जा, उठ जाओ, पापा को करने दो। सारांश उठ जाओ, उठ जा ना, फिर पापा ने वो भी पीनी है चाय। उठो। चाय के नाम से उठ गया कि मुझे भी दूध मिलेगा, है ना? अरे मैं कट्टी हो जाऊंगी भी। हम भी जब छोटे थे ना, उठने के बाद अपने पापा की बगल में जाके लेट जाते थे कि पापा हमें लिटाएंगे तो मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, यू उठो बैठो कुछ नहीं बोलेगी। तो योगा क्लास देखने के बाद मैं आ गई थी किचन में इनके लिए चाय बनाने के लिए। वो तो मैंने बना के दे दी थी। अब ये नहा धो के तैयार हो रहे थे और मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। मतलब तैयारी क्या, मैंने बना ही लिया था ऑलमोस्ट, बस रोटी रह गई थी। इनके लिए पहले टिफिन रख रही थी, तो मैंने बनाई है हरी हरी चटनी, आलू और बीन्स की सब्जी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी खाने में। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए दाल और चावल टिफिन में रख दिए हैं। बाकी मैं क्या क्या सामान साथ में दे रही हूँ वो भी आप सबको आज दिखाई देती हूँ। तो दिन तक जो लंच होता है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा लंच बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए, मतलब ठंडे लंच के साथ थोड़ी सी चटनी, थोड़े से प्याज, थोड़ी सी दही देना तो बनता ही है, और वो भी मेरे मूड पे बात है। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ, मतलब दही दे दी, अगर जमा ली तो दे दी, चटनी बनी है तो दे दी, वरना सलाद तो देती देती हूँ, दाल चावल सलाद में रोज़ देती हूँ। पर आज मैंने सोचा चलो सब्जी भी बनी हुई है थोड़ी सी, तो वो भी दे देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सब्जी बहुत कम बनती है, कभी ज़्यादा बनती है, और इनको खास पसंद भी नहीं है टिफिन में सब्जी लेके जाना। पर मैं ज़बरदस्ती ठूस ठूस के रख देती हूँ। ये बाद में बोलते हैं, हर रोज़ आके बोलते हैं थोड़ा कम रखा कर यार, कम रखा कर यार, इतना खाना मत दिया कर, जबकि टिफिन में इतना सा चावल आते हैं, इतनी दाल आती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पर पता नहीं क्यों इनको शायद से ठंडा खाना पसंद नहीं है, इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, और सबसे पहली रोटी है कौवे की। कौवे की एक सबसे पहली रोटी बनाती हूँ, एक सबसे लास्ट में बनाती हूँ, तो एक मैं सुबह ही दे देती हूँ, तो मतलब फिर दिन तक क्या होता है वो खा लेते हैं, और फिर एक दिन में दे देती हूँ, तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो पति देव के लिए भी मैं नाश्ता लगा रही हूँ, और नाश्ते को मेरे को खाना बोलने की आदत है, पता नहीं क्यों मैं बार बार खाना खाना चलिए पति बोलती देव हूँ। के लिए लेके जाते हैं खाना। प्याज, चटनी, सब्जी, थोड़ी सी दही और टू रोटीज। लीजिए आपका खाना। तो बार बार मैं याद भी रखती हूँ कि नहीं, नाश्ते को नाश्ता बोलना है और खाने को खाना बोलना है, पर नहीं नहीं हो पाता है। अपने ही ध्यान में रहती हूँ ना, तो कुछ भी बोल देती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ते को बार बार खाना बोल रही हूँ, और सब्जी इतनी टेस्टी दिख रही है और हो भी रही थी। तो यहाँ पर सुबह वो ऐसे ही करते हैं कि या दो रोटी दिया कर या तीन रोटी दिया कर, कभी कभी तो वो बोलते हैं कि स्प्राउट्स ही दे दिया कर, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैंने कौवों को भी रोटी दे दी है, और ये देखिए आ भी गए हैं, और बड़ा ना मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इनको देख करके कि हाँ भाई चाय, मतलब दो तीन आए, वैसे तो ज़्यादा आते हैं,
अब तो ज़्यादा आने लग गया क्योंकि मुझे मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना तब से देनी शुरू करी थी। उससे पहले मैं गाय को देती थी पर गाय को फिर देने जा नहीं सकते थे, तो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से मैंने रोज़ मैं रोटी इनको ज़रूर देती हूँ। और मतलब अब तो ज़्यादा आने लग गया क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि यहाँ पर ज़रूर ज़रूर रोटी मिलेगी। और मेरी ज़बान कितनी लड़खड़ा रही है सच में। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी से ही मुझे दिख रहे हैं कि उड़ते हुए कौवे कि भाई ये रोटी दे कब देगी कब देगी। और मैंने लिए थे कुछ भुट्टे, तो भुट्टे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मनीष को बहुत पसंद है, मतलब घर में सबको बहुत पसंद है बस मुझे पसंद नहीं है पता नहीं क्यों। तो उनके लिए ही मैं ज़्यादातर वो करती हूँ, जब कभी ऐसा होता है ना बहुत भूख लग रही है तब अपने लिए कर लेती हूँ, वरना मैं बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती। पॉपकॉर्न खा लूँगी पर भुट्टा नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर मैं भून रही हूँ और ज़्यादा काला ना करूँ यही कोशिश है। और इसकी जो चट 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 आवाज़ होती है ना बड़ी डरावनी होती है, मतलब सुनने में नहीं वो उछल के भी आ जाते हैं कभी कभी इधर उधर, तो गैस में तो फैल ही जाते हैं। पर यहाँ पर और उछल रही हूँ दूसरा भुट्टा क्योंकि मनीष जी को अलग चाहिए, उनके पुत्र जी को अलग चाहिए, इसीलिए तो दोनों पापा बेटा के लिए अलग अलग भुट्टे। यहाँ पर आई थी गाड़ी सैनिटाइजर की होगी जो डर ही रहता है ना, मेरी मक्खी फूक गई उसे देखने के चक्कर में। और ये देखो ये क्या लग गया चटक चटक हो के ग्लास काउंटर टॉप में, डर भी लगता है कि कहीं चटक ही ना जाए गरम हाथ से, पर अभी तक तो हुआ नहीं। थोड़ा स्लो कर लेती हूँ गैस को। तो एक को मेरे को सादा रखना है और एक को नींबू वाला रखना है क्योंकि आध्या भी आई हुई है और आध्या को भी खट्टा पसंद है और इनको भी खट्टा ही पसंद है, ज़्यादा नहीं नॉर्मल, मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं कि निचोड़ निचोड़ के ही खट्टा कर दिया। और सारांश को नॉर्मल पसंद था, मुझे ऐसा लगता था कि वो नॉर्मल ही खाएगा नींबू वाला नहीं खाएगा पर जब उसने टेस्ट किया नींबू वाला, और मेरे पीछे देखो चिड़िया की आवाज़ कितनी सुंदर आ रही है ना, बहुत अच्छी लगती है ये आवाज़ें। हम कह रहे हैं ये खाओगे क्या है ये भुट्टा है भुट्टा हाँ। अच्छा भुट्टा ये कमेंट्री कर रहे हैं मिस्टर बहुगुना और पीछे दिख रहे हैं कपड़े। बैठ के खाओ बेटा, मैं बहुत अच्छा हूँ हाँ तुम दोनों बहुत बुरे हो, शैतान एक नंबर के, बात नहीं सुनते किसी की। हाँ, हम तो खाते नीचे। कैसे कर रही थी दिखा कैसे कर रही थी। हेलो तूने क्या मांगा मेरे से? मुट्ठा नहीं, इसके बाद क्या खाने की डिमांड हुई है कि क्या बनाना है? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न देख लो इनके हाल, मुझे अच्छे लगते हैं भुट्टे, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है। मुझे भुट्टे ही पसंद है। वही तो, आपको वो चीज पसंद है मुझे पसंद नहीं है, है? फिर आपको मैं पसंद कैसे आ गई? हम आपको शेयर करके खाएंगे। मैं आपको पसंद नहीं हूँ, ये देखिए कह रहे हैं मैं इनको पसंद नहीं हूँ, नहीं हूँ, सच बता दो। नहीं है, नहीं हूँ। शादी क्यों करी साथ? देखो बात देख लीजिए, मैं इनको पसंद नहीं हूँ, पर इन्होंने मुझसे शादी कर ली, पता नहीं क्यों करी, पर कर ली। क्यों ना डालियो, डालूंगी सब डलेगा। ऐसे डाल ले, भुट्टे डालेगा ना सब डलेगा ऐसे कैसे है ना, रियलिटी दिखनी चाहिए। चलो मैं बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न, 7:15 हो रही है शाम के, उसके बाद मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बता दो पहले भी देनी थी, एक दो दिन पहले बता देनी चाहिए, पर आज बताऊंगी क्योंकि एक दो दिन पहले खा लिया, बहुत ही अच्छा किया। अब पॉपकॉर्न 2 मिनट का भी सबर नहीं। चलो भाई हम तो अपने बच्चों की खुशी में खुश हैं, बच्चे खुश हम खुश, चलते हैं फिर किचन में। तो दोनों बच्चों की जिद थी कि हमें अब पॉपकॉर्न भी खाने हैं, तो मैंने सोचा चलो यार अब पॉपकॉर्न भी बना ही देते क्योंकि 7:10 के करीब टाइम हो रहा था,
तो खाने का टाइम भी 8:30 ही होता है, तो मैंने कहा चलो एक घंटा है अभी, बच्चे बोल रहे तो बना देती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम रोज़ रोज़ टालते रहते हैं तो वो चीज़ रखे रखे ही ख़राब हो जाती है, और फिर मनीष बहुत चिढ़ते हैं, बोलते हैं कि खाने की चीज़ों को खाया करो भाई, वेस्ट मत किया करो। क्योंकि सही बात है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ हम ले आए खाने के लिए उसको टाइम से खाओ और निपटाओ। तो यहाँ पर मैंने एक भुट्टा और रख दिया भुनने के लिए, क्योंकि मनीष को भुट्टा खाना था, उन्हें पॉपकॉर्न नहीं खाना था, और बच्चों को और मुझे पॉपकॉर्न खाना था। तो यहाँ पर एक टू पॉपकॉर्न आते हैं, वही मैंने कर दिया। तो इसमें पड़ा था, इसमें लिखा था कुकर में बनाना है, क्योंकि इसका तला मोटा होता है कुकर का, इसीलिए बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, वो उछल उछल के जैसे पॉपकॉर्न उछल रहे हैं ना इसके अंदर, वैसे ही वो भी उछल रहे थे कि कब बनेंगे पॉपकॉर्न, कब बनेंगे पॉपकॉर्न। तो यहाँ पर मैं ढक इसलिए रही हूँ, मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं पॉपकॉर्न इतने ही ना फूल जाए कि वो ढक्कन उछल के मेरे ऊपर गिर जाए, इसलिए मैं उसको दबा रही थी बीच बीच में। क्योंकि भाई डर तो लगता ही है, अब चटकने वाली चीज़ें कब चटका मतलब इतने फोर्स में आ जाएँ कि उछल के ढक्कन हमारे ऊपर गिर जाए। और बीच बीच में उसमें लिखा हुआ था कि अपने जो भी आपका वो है पतीला जिसमें भी आप बना रहे हैं उसको हिलाते रहे ताकि वो ऊपर नीचे होते रहें पॉपकॉर्न्स, तो वही कर रही थी मैं। पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मेरे को क्या इसमें पॉपकॉर्न्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जितने देर में आपकी मक्खी भुनती है उतनी देर में पॉपकॉर्न भी चटक जाते हैं, और गर्म गर्म खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर गैस भी देखो कितनी गंदी हो गई है, जो वो चटकती है ना मक्खी तो उसके इधर उधर गिरते रहते हैं, और गैस पे काला काउंटर टॉप है तो डर भी लगता ही है कि भाई गंदा ना दिखे। और ऊपर से जब चीज़ बहुत गर्म हो जाती है, जैसे हम बहुत देर तक कुछ पका रहे हैं तब भी वो थोड़ा गर्म हो जाता है ना ग्लास, तो डर लगता है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना पॉपकॉर्न, बड़ा मज़ा आता है जब रेडीमेड चीज़ को ही हम दोबारा बनाते हैं और अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं बाउल ढूंढ रही थी कि किस बाउल में दूँ और बच्चों को किस में दूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरे नहीं डाले थे क्योंकि थोड़े से कल खा सकते थे, एयरटाइट बॉक्स में मैंने स्टोर करने थे वो। तो पॉपकॉर्न लेके हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, और यहाँ पर मैं बीच बीच में चिढ़ा रही थी कि आपने ऐसा क्यों बोला मैं पसंद नहीं हूँ, क्यों बोला मैं पसंद नहीं हूँ। तो ये बोल रहे थे ये वीडियो मत डालियो, मैं बता रहा हूँ, पर उन्होंने डाल दी क्योंकि हंसी मजाक भी पसंद होना चाहिए यार कभी कभी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना जिसने नहीं किया है, भूलिएगा मत। बाय।